हाय गाइस, माय नेम इज सुमा सर्वर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके साथ काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ है कि आप कुछ ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं या यू रेड समथिंग अबाउट सम इंसिडेंट और कुछ हेडलाइन आप ऐसी देखते हैं कि यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, तो आप क्या कहते हैं? आप ये कहते हैं कि आई एम शॉक्ड, और बाकी उस टाइम पे हम लोग थोड़े हैरान रह जाते हैं। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू से समथिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, वी हैव सम टाइम वी जस्ट मेक आवर फेस लाइक दिस। तो ये जो हमारा फेस एक्सप्रेशन है तो ये भी शो करता है कि हम लोग हैरान हो गए हैं, हम लोग शॉक रह गए हैं। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस फेस और सेइंग जस्ट वन वर्ड आई एम शॉक्ड, वी कैन यूज सम अल्टरनेटिव वर्ड्स जो कि हमें बेटर स्पीच, हमारी स्पीच को बेटर करते हैं एंड हमारी वोकैबुलरी को शो करते हैं और हमारी जो कन्वर्सेशन है उसको थोड़ा अट्रैक्टिव करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। इंस्टेड ऑफ यूजिंग आई एम शॉक्ड, वी कैन आल्सो यूज अ वर्ड स्पीचलेस, आई एम स्पीचलेस। ऐसा भी होता है कि हम लोग कोई स्पीच रेडी करते हैं किसी प्रेजेंटेशन के लिए या किसी और दूसरे इवेंट के लिए, या हमारा PhD और मास्टर थीसिस होता है, आफ्टर स्पेंडिंग 3 years और 4 years वी हैव टू प्रीपेयर आवर प्रेजेंटेशन फॉर आवर डिफेंस। तो हम लोग जब वो स्पीच रेडी करते हैं तो हम लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बिकॉज वी ऑलरेडी स्पेंड इतना टाइम उसके ऊपर। तो हम लोगों की उस टाइम पर ये होता है कि इतना जब हम लोगों ने टाइम उसके ऊपर स्पेंड किया है तो हमारी एटलीस्ट प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन देने जाते हैं रूम में, हमारे सामने प्रोफेसर्स होते हैं, ढेर सारे स्टूडेंट्स होते हैं और हम अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन हम लोग बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम लोगों ने प्रेजेंटेशन अच्छी रेडी की है, आई हैव एवरीथिंग इन माय माइंड, और वो होती भी फाइनल प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन देते देते एकदम से ऐसा होता है कि माइंड ब्लैंक हो जाता है एंड इट्स वेरी नॉर्मल थिंग ना, इट्स वेरी कॉमन। तो माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है और उस टाइम पे आप स्पीचलेस हो जाते हैं, आपको कुछ भी माइंड में नहीं रहता, मीन्स यू हैव आउट ऑफ योर वर्ड्स लॉस्ट ऑल ऑफ योर वर्ड्स। तो आप उस टाइम पे क्या कहते हैं, आप कहते हैं आई एम स्पीचलेस, या आप जब किसी को ये चीज़ बता रहे होते हैं कि आपने उस टाइम पे ब्लैंक नहीं होना, आपने आपकी सारी अटेंशन जो है वो लोगों की तरफ नहीं होनी चाहिए, आपको ये नहीं होना चाहिए कि सामने प्रोफेसर है या कोई और है जो मुझे जज कर रहा है, आपने जस्ट अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है, अपना सारा जो फोकस है वो प्रेजेंटेशन के ऊपर रखना है। और आप जब किसी को ये चीज़ बता रहे होते हैं तो आप अपनी स्टोरी थोड़ी सी बताते हैं कि आई गॉट ब्लैंक एट अ टाइम, तो आप क्या कहते हैं कि आई वॉज स्पीचलेस एट अ टाइम, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग आई एम शॉक्ड, यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन आई वॉज स्पीचलेस। अवर नेक्स्ट इज बॉल ओवर, सेम मीनिंग है इसका, जो भी जितने भी वर्ड्स हैं इनके मीनिंग सेम है। मैं आपको थोड़ी थोड़ी एग्जाम्पल्स सिर्फ इसलिए समझाना चाहती हूँ कि अगर आप एग्जाम्पल अपने माइंड में रखेंगे तो वो मेमोराइज करने में थोड़ा ईजी हो जाता है। आई एम बोर्ड ओवर, हम लोग ऐसे होता है कि क्रिकेट हो रही है या फुटबॉल हो रही है, चलो क्रिकेट की एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो क्रिकेट हो रही है, हमें किसी बॉल किसी बैट्समैन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है, हमारी टीम थोड़ा सा हार रही है, तो हम क्या करते हैं कि जो कोई और बैट्समैन आता है हम कहते हैं कि जी तो बहुत अच्छा बैट्समैन है, तो एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ही प्ले बैटर, तो लेकिन जब वो फील्ड में जाता है वहाँ जाते साथ वो बोल्ड ओवर हो जाता है, तो हम लोग ओ माई गॉड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम हिम, तो आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस बॉलर फ्रॉम दिस बैट्समैन। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उस टाइम पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग कहते हैं आई एम बोल्ड ओवर। इसकी अगर एग्जांपल भी मैं आपको दे सकती हूँ कि काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हम लोग ज़्यादातर टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ गुजारते हैं और वी हैव ऑल डिफरेंट एक्टिविटीज़, तो हम लोग अपनी स्टडी को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। जब फाइनल एग्जाम्स होता है तो हम लोग एग्ज़ाम तो कर लेते हैं बट एट द एंड ऑफ आवर एग्ज़ाम जब रिज़ल्ट आता है तो यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग हाई ग्रेड्स, तो लेकिन एकदम से जब आपके सामने रिजल्ट कार्ड आता है आप देखते हैं ओ माई गॉड मेरे तो हाई ग्रेड्स आए हैं, मेरे तो A+ आया है, तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग आई एम शॉक्ड तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आई एम बोल्ड ओवर, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको इसकी दे दी। नेक्स्ट वन इज लॉस्ट, लॉस्ट फॉर वर्ड्स, आपके पास वर्ड्स ही नहीं रहे हैं, मीन्स आप कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन आपके आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है, आपके पास वर्ड्स ही नहीं बचते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ, सपोज आपकी एनिवर्सरी है, यू स्पेंड योर होल डे इन योर ऑफिस और आपके माइंड से बिल्कुल निकल जाता है कि इट्स योर एनिवर्सरी, तो जब आप इवनिंग में घर आते हैं
तो यू मस्ट बी वॉर्न आउट एट अ टाइम. तो आप देखते हैं आपके आपका जो पार्टनर है उसने आपके लिए डिनर प्रिपेयर किया है या केक बनाया, थोड़ा बहुत अरेंजमेंट किया है, तो यू गॉट शॉक्ड एट अ टाइम. ठीक है, और आप मीन्स उस टाइम पे आप बिल्कुल लॉस्ट फॉर वर्ड्स हो जाते हैं, मीन्स आप स्पीचलेस हो जाते हैं उस टाइम पे, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम योर पार्टनर और यू आर एक्सपेक्टिंग अ क्वाइट इवनिंग. तो आप उस टाइम पे अपने पार्टनर को क्या कहते हैं, आप ये कहते हैं ओ माय गॉड यू डिड अ लॉट फॉर मी, यू मेड माय डे एंड एट दिस टाइम आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स. फ्लैबरगेस्टेड इज अ वेरी ब्रिटिश वर्ड. ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, फ्लैबरगेस्टेड ब्रिटिश है ये वर्ड. ठीक है, इसमें ये भी सेम मीनिंग है, इन सब के सेम मीनिंग है, आई एम शॉक्ड. इसमें ऐसे होता है कि जब एक सिचुएशन ऐसी होती है कि आप सेम ही है कि यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग और यू आर टोटली स्पीचलेस, कि अगर आप सो रही हैं, ठीक है, सपोज आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, आप सो जाते हैं, सो के उठते हैं तो एकदम से बेल होती है, जब बेल होती है तो आप बाहर जाते हैं तो आपके हाथ में एक लेटर आता है, आप इनवेलप ओपन करते हैं, इनवेलप ओपन करके आप देखते हैं कि यू वन अ लॉटरी, और एक रात पहले ऑफिस में कोई टेंशन होती है या कुछ होता है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट होते हैं. तो जब आप वो लॉटरी देखते हैं कि यू वन अ लॉटरी, यू वन अ लॉट ऑफ मनी और समथिंग एल्स, तो आप बहुत खुश होते हैं. ठीक है, क्योंकि आप उस लॉटरी को एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते, तो आप उस सिचुएशन में क्या कह सकते हैं कि आई एम फ्लैबरगेस्टेड बिकॉज आई वन दिस लॉटरी, बिकॉज आई वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस लॉटरी. सो यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन फ्लैबरगेस्टेड. नेक्स्ट वन इज गॉब्समैक्ड. ठीक है, दो है एक ही वर्ड लेकिन उसको आपने प्रोनाउंस कैसे करना है, गॉब्समैक्ड. गॉब्स इज अ स्लैंग वर्ड जो नेटिव पीपल ज़्यादातर यूज करते हैं फॉर माउथ. ठीक है, फॉर माउथ. सो वी कैन से दैट गॉब्स इज अ स्लैंग वर्ड यूजिंग फॉर माउथ. अगर समबडी विल से दैट क्लोज योर गॉब्स और शट योर गॉब्स, तो इट मीन्स क्लोज योर माउथ. ठीक है, यू हैव टू शट डाउन. तो आपने गॉब्स मॉक का मतलब ये है कि बिल्कुल चुप हो गए हैं आप ना, आपके पास कोई वर्ड्स नहीं रहे हैं. मीन्स इसकी एक एग्जांपल इस तरह भी है, मैं आपको दे सकती हूँ कि अगर कोई आए और आके आपके फेस पे हाथ रख दे, जोर के हाथ रख दे, ठीक है, उस वक्त क्या होगा कि यू आर अनएबल टू से एनीथिंग. तो आप ट्राई करेंगे बोलने के लिए लेकिन आप कुछ बोल नहीं सकेंगे. ठीक है, फिर आप क्या एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, आप ये एक्सप्रेशन को यूज करेंगे कि आई एम गॉब्समैक्ड. नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज स्टैगर्ड. इट्स अ लिटिल बिट फॉर्मल वे टू से आई एम शॉक्ड. सेम मीनिंग दैट आई एम शॉक्ड, आई एम स्पीचलेस, मेरे पास कुछ बचा नहीं है कहने को. और स्टैगर्ड होता है थोड़ा सा कि you are not able to keep your balance, you are a little bit off your balance. ठीक है, ऐसे मीन कुछ ऐसा होता है कि आप एकदम से बैलेंस खो देते हैं इस तरीके से ना, तो आप क्या एक्सप्रेशन यूज करेंगे, स्टैगर्ड. सपोज आपने किसी बैंक में रॉबरी हो जाती है या किसी ज्वेलरी शॉप पे रॉबरी हो जाती है, तो वो बहुत सारी ज्वेलरी को लेके चला जाता है, वहाँ से आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो आप एकदम से बैलेंस खो देते हैं. या समटाइम ऐसा होता है कि कोई मीटिंग ऐसी होती है या कुछ बाहर जलसा वगैरह ऐसा हो रहा है, कोई ऐसी पर्सनैलिटी ऐसी होती है जो पब्लिक की बहुत ज़्यादा फेमस होती है, उसके साथ कुछ इंसिडेंट हो जाता है जो यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट इंसिडेंट. तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप अपना बैलेंस खो देते हैं, और काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है. तो आप क्या एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, दैट आई एम स्टैगर्ड एट अ टाइम. नेक्स्ट वन इज स्टार्टल्ड. स्टार्टल्ड इज नॉट अ फॉर्मल और इनफॉर्मल, इट्स क्वाइट न्यूट्रल एक्सप्रेशन टू से आई एम शॉक्ड. ठीक है, स्टार्टल्ड में सेम इसी तरह होगा जैसे हमने बोला कि स्टैगर्ड में हम लोग बैलेंस को थोड़ा सा खो देते हैं, और स्टार्टल्ड में और इसी तरह होगा जैसे हम कहते हैं कि स्टैगर्ड में हम लोग अपना बैलेंस खो देते हैं,
सेम इसी तरीके से स्टार्टर होता है कि यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स और यू आर डे ड्रीमिंग और यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर माइंड, यू आर थिंकिंग अबाउट योर ऑफिस वर्क और समथिंग एल्स, तो आप अपनी दुनिया में होते हैं। काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि हम लोग कुछ सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, पीछे से कोई आता है, वो आके हमें आवाज़ देता है, ठीक है, इफ़ समबडी कॉल यू एंड यू डोंट हियर देम और हिम, तो वो करीब आता है, आके आपके कंधे को थोड़ा सा हिलाता है कि आपको हिलाता है, तो आप एकदम ऐसे हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया ना। तो उस टाइम पे हम क्या एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि आई एम स्टार्टल्ड, ठीक है, आई एम स्टार्टल्ड। सो आज के लेसन में हम लोगों ने 7 एक्सप्रेशन यूज़ किए हैं इंस्टेड ऑफ आई एम शॉक्ड। एक और एक्सप्रेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं, डेट इज़ क्वाइट ईजी एंड नेटिव पीपल उसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जॉ ड्रॉप्ड, ठीक है, जॉ ड्रॉप्ड। ये चीज़ जो है ये हमारी जॉ होती है और काफ़ी दफ़ा हम लोग इस तरह का फेस भी बना लेते हैं ना, कोई सरप्राइज एक्सट्रीमली सरप्राइज वाली सिचुएशन होती है तो हम लोग तो हमारा जो फेस है वो खुला का खुला रह जाते हैं, मीन्स हमारे जॉ जो है तो ये जॉ यहाँ पे है तो करेंगे तो वो जॉ नीचे को ड्रॉप हो जाएंगे। तो हम लोग ये एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं कि जॉ ड्रॉप्ड। सो आज के लेसन में हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन यूज़ किया, 1 इज़ स्पीचलेस, 2 इज़ बॉल्ड ओवर, 3 इज़ लॉस्ट फॉर वर्ड, 4 इज़ फ्लैबरगेस्टेड, 5 इज़ गॉब्समैक्ड, गॉब्समैक्ड मीन्स शट योर गॉब्स माउथ, ठीक है, 6 इज़ स्टैगर्ड मीन्स बैलेंस खो देना, एंड स्टार्टर्ड मीन आप अपनी दुनिया में हैं, आप अपने ख्यालों में खो रहे, कोई आपको हिलाता है तो आप एकदम से ऐसे हो जाते हैं, एंड 8 इज जॉ ड्रॉप्ड। सारे एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा ईजी है, जिस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल बताई, अगर आप उस तरीके से सारे के सारे अपने माइंड में रखेंगे, मीन्स एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा सारा कुछ याद करना। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेसन पसंद आया, इफ़ यू लाइक माई लेसन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।